नमस्कार दोस्तों, आज ट्रेडर्स की और एक वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अपने सोमवार को बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में लास्ट फ्राइडे को कैसे क्लोजिंग हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेक करोगे तो डाउन जोन्स 800 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है और एस जी एस निफ्टी 158 पॉइंट क्लोज हुआ है। फ्रेंड्स, ये वाला यहाँ ये एस जी एस निफ्टी है। ओके, तो इसके हिसाब से हमें ये लगता है कि सोमवार को हमारे मार्केट पे गैप अप ओपन होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स सोमवार को। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स 15699 यानी 15700 के करीब उसका क्लोजिंग हुआ है लास्ट फ्राइडे को। और उसका रेजिस्टेंस जोन है पहला फ्रेंड्स, कौन सा आएगा रेजिस्टेंस जोन उसका आएगा पहला 15850 से लेके 15890। तो करीबन इसी जोन में निफ्टी ओपन होने की पूरी पूरी संभावना है सोमवार को इस जोन में। अगर इस जोन में फ्रेंड्स निफ्टी ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है और अगर उसके बाद कुछ टाइम में सस्टेन करती है फ्रेंड्स निफ्टी, जैसे यहाँ पे ओपन होने के बाद ऐसा सस्टेन करती है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया अपसाइड में, तो और भी ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है और उसका लेवल आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 15000। ये जो गैप पड़ा है 16200 का, उस गैप को फिल करने के लिए ऊपर जा सकती है निफ्टी आने वाले दिनों में यानी सोमवार को या मंगलवार को। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया निफ्टी ने 15880 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो डेफिनेटली मंगलवार को तो 16200 तक जाएगी। और अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद दूसरा सिनेरियो हमारा ये बन रहा है कि डाउन की साइड में इस लाइन को ब्रेक किया तो ये नीचे आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है डाउन की साइड में फ्रेंड्स, ये जो गैप पड़ेगा उस गैप को फिलअप करने के नीचे आ सकती है, जिसका लेवल रहेगा 15700। ओके फ्रेंड्स, पहली 5 मिनट की कैंडल देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल में अगर कोई बुलिश या कोई बेरिश कैंडल बनती है, हैमर कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल डाउन की साइड में बनती है, तो उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के हमें पुट बाई कर सकते हैं सोमवार को। या फिर ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि गैप ओपन होने के बाद 1 घंटे या आधा घंटे या 1.5 घंटे इसी जोन में वो घूमती रहेगी और उसके बाद प्राइस एक्शन बनाने के बाद किसी एक तरफ को मूव कर सकती है अपसाइड या डाउन साइड, उसे हमें लाइव में देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर सकती है सोमवार को। फ्रेंड्स, ये 1 डे का चार्ट है। अगर 1 डे के चार्ट में अगर आप चेक करोगे तो उसका रजिस्ट्रेशन जोन पे खड़ा हुआ है 33,800 पे वो बैंक निफ्टी खड़ी हुई है फ्रेंड्स। और जैसे निफ्टी गैप ओपन होने वाली है, वैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी भी हमारे गैप ओपन होने की पूरी पूरी संभावना है। उसका क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी का 33,627 पे उसका क्लोजिंग हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि 33,800 से लेकर 33,900 पे ओपन होने हो सकती है। इस जोन में ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर गई तो ये जो गैप फिल करने के लिए ऊपर आ सकती है, जिसका प्राइस वैल्यू रहेगा अपसाइड में 34,300 के करीब ऊपर जाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकती है बैंक निफ्टी। लेकिन अगर 15 मिनट की चार्ट में हम देखते हैं फ्रेंड्स, 15 मिनट की चार्ट में अगर ये बड़ी रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, 34,300 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स। और डाउन की साइड में अगर फ्रेंड्स ज़्यादा यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे गैप ओपन होने के बाद अगर कोई बेरिश कैंडल बनती है, ऐसी कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो उसी शूटिंग स्टार कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के इस लेवल को ब्रेक होने के बाद हम पुट बाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर ऐसा भी सीनरी बन सकता है कि यहाँ पे गैप ओपन होने के बाद यानी 33,800 या 900 में गैप ओपन होने के बाद वहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करे 1 घंटा 2 घंटा और उसके बाद उसके हाई को ब्रेक करे, जो रेक्टेंगल पैटर्न बन सकती है, तो उसी टाइम पे हमें
यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हम 34,300 तक जाने के पूरे पूरे पॉसिबिलिटी है, तब हम उसको बाई कर सकते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।